नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीजी चैनल की रोजगार सीरीज में। यहाँ हम प्रयास करते हैं आपके लिए ऐसे बिजनेस वीडियोस लाने का जिससे आपके स्किल्स आपकी सफलता में बदल सकें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मीठे, रसीले और स्वाद से भरे बिजनेस के बारे में जो है पेठा मेकिंग बिजनेस। जैसे जैसे फूड इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है, मिठाइयों का भी मार्केट जमकर ग्रोथ कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर मिठाइयों की सेल्फ लाइफ कम होने के कारण वो लोकल एरिया, लोकल मार्केट तक सिमट कर रह जाती हैं। यहाँ पर पेठा एक ऐसी मिठाई के विकल्प के रूप में निकल कर आता है जिसकी सेल्फ लाइफ मिठाइयों में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा पेठा में कुछ औषधीय गुणों के होने के कारण इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ पेठा बजट में एफोर्डेबल होने के कारण ये हर आदमी की पहुँच में बहुत आसानी से आ जाता है। इस कारण पेठा की डिमांड बहुत है। तो दोस्तों, यहाँ से निकल कर आता है हमारे बिजनेस का आइडिया कि किस तरह हम पेठा मेकिंग इंडस्ट्री में एंट्री करके अपने लिए एक सफल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, पेठा के बारे में आपको एक कमाल की बात पता है। पेठा एकमात्र ऐसा फल है जिसकी लगभग 150 से ज़्यादा तरह की मिठाइयाँ तैयार की जाती हैं, जैसे सादा, अंगूरी, पान, ऑरेंज, केसर, चॉकलेट, कोकोनट, रोज़, रसभरी, केवड़ा, सैंडविच और भी बहुत सारी तरह की वैरायटियाँ अवेलेबल हैं पेठा की मिठाई में। दोस्तों, ये बिजनेस मुझे इस वजह से और ज़्यादा अच्छा लगता है कि इस बिजनेस में आप चाहें तो कम बजट में मात्र 50,000 से लेकर 1,00,000 में भी इस बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं और पेठा मेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स लगाकर भी आप इस बिजनेस को बहुत आसानी से बड़े पैमाने पर स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, पेठा मेकिंग बिजनेस को अगर आप चाहें तो खुद के आउटलेट से बहुत ही आसानी से सेल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजी भी प्रोवाइड करा सकते हैं, या फिर आप पेठा का प्रोडक्शन करके किसी भी होलसेलर या फिर रिटेलर को भी आसानी से सेल कर सकते हैं। मतलब रस से भरा ये बिजनेस आपको हर लेवल पर एक्सेप्ट करने को तैयार है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेठा बनाया किस तरीके से जाता है, इसको बनाने के लिए कौन कौन सी मशीन्स और रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी, उसके अलावा जब हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा तो हम उसको कहाँ कहाँ और कैसे कैसे सेल कर सकते हैं, और सबसे एंड में सबसे ज़रूरी चीज़ कि इस बिजनेस को करने से हमारा बेनिफिट कितना होगा। तो दोस्तों, पेठा मेकिंग बिजनेस की पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पेठा बनाने के लिए पेठा फल का प्रयोग किया जाता है। इस फल को अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे सफ़ेद कद्दू, कुमेड़ा, पेठा आदि। पूरी तरह से मैच्योर हो चुका पेठा फल बड़े तरबूज के आकार का हो जाता है, जिसका रंग लौकी जैसा हल्का हरा हो जाता है व इसके ऊपर एक सफ़ेद रंग की परत बनने लगती है। इस तैयार पेठा फल को ज़्यादातर सीधे किसान से या फिर थोक की फल सब्जी मंडी से खरीदा जाता है। अब पेठा तैयार करने के लिए पेठा फल को धुलकर उसे बड़े बड़े पीसेज में काटकर उसके बीज अलग कर दिए जाते हैं और उन पीसेज को छील लिया जाता है। अब इन छिले हुए पेठा पीसेज को मैन्युअली फोग मशीन से गोदा जाता है या फिर सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक मशीन का भी प्रयोग किया जाता है। अब बारी आती है पीसेस को काटने की। तो जिस डिज़ाइन का पेठा तैयार करना है उस आकार के पीस काट लिए जाते हैं। इन पीसेस को चूने के पानी में कुछ टाइम तक भिगोया जाता है। इसके बाद इनकी 2-3 बार अच्छे से धुलाई की जाती है। अब इन पीसेस को पानी में थोड़ी देर उबाला जाता है। इसके बाद इन्हें चाशनी में उबाला जाता है। अगर पेठा को कोई फ्लेवर देना होता है तो यहाँ दे दिया जाता है, और अगर सादा पेठा बनाना है तो इसे बड़े साइज की ट्रेज में भरकर ठंडा कर लिया जाता है। इसके बाद पूरी तरह ठंडे हो चुके पेठा की वजन के अकॉर्डिंग पैकिंग कर दी जाती है, जैसे 500 ग्राम या 1 किलोग्राम। पेठा की पैकिंग पेठा की क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग होती है, जैसे सादा पॉली पाउच में, गत्ते के बने बॉक्सेस में, प्लास्टिक बॉक्सेस में आदि कई तरह से पेठा की पैकिंग की जाती है। अब ये तैयार पैक्स बिक्री के लिए रेडी हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मशीन्स और रॉ मटेरियल के बारे में।
दोस्तों पेठा बेकिंग मशीन्स को देखने के लिए हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप पर। दरअसल अगर आप पेठा मेकिंग के काम को मैनुअल रूप से कर रहे हैं तो आपको नॉर्मल कढ़ाई भट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, वो आप अपने लोकल मार्केट से भी बहुत आसानी से परचेज कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको जिस पहली मशीन की ज़रूरत पड़ेगी वो है पेठा पंचिंग मशीन। ये मशीन पेठा को पंच करने का काम करती है। इसके प्राइस में थोड़ा बहुत ही अंतर आता है, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ये मशीन हमें 12,000 रुपये की मिल रही है। इसके अलावा नेक्स्ट मशीन देख लेते हैं हम, ये पेठा पंचिंग मशीन हमको 9,000 रुपये की मिल रही है। उसके अलावा ये स्टेनलेस स्टील में पेठा पंचिंग मशीन है, इसका प्राइस 25,000 रुपीज़ है। पेठा बनाने के लिए चाशनी बनाने की ज़रूरत पड़ती है, उसमें पेठा को उबाला जाता है। तो आप चाहें तो ये पेठा मेकिंग मशीन ले सकते हैं, इसका प्राइस 1,00,000 रुपये है। दोस्तों यहाँ पे स्टेनलेस स्टील स्टीम ऑपरेटेड पेठा प्लांट का प्राइस 6,00,000 रुपीज़ बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मशीन का कोई भी फोटो नहीं दिखाया गया है, बस पेठा की वैरायटी दिखाई गई है कि आप इस तरह के पेठा इससे बना सकते हैं। डीलर का कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, आप डीलर से कॉन्टैक्ट करके मशीन के संबंध में फुल डिटेल पता कर सकते हैं। उसके अलावा पेठा बनाने के लिए इस मशीन को भी परचेस किया जा सकता है, इसका प्राइस 35,000 रुपीज़ है। हम पेठा मेकिंग प्लांट देख लेते हैं, ये प्लांट 1,40,000 रुपये का अवेलेबल है, सेमी ऑटोमेटिक प्लांट है। उसके अलावा पेठा बनाने के लिए इस तरह के बॉयलर का भी प्रयोग किया जा सकता है, प्राइस इसका अवेलेबल नहीं है, आप डीलर से कॉन्टैक्ट करके इसका प्राइस पता कर सकते हैं। सेमी ऑटोमेटिक मशीन से पेठा को बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। उसके अलावा पेठा बनाने के लिए जिस रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है वो है एसगार्ड फ्रूट, मतलब पेठा का फल। पेठा के फल का प्राइस सीजन के हिसाब से बदलता रहता है, तो आप यहाँ पे जो भी प्राइस देख रहे हैं उस पे 100% भरोसा ना कीजिए, क्योंकि पेठा का प्राइस सीजन के हिसाब से चेंज होता रहता है। कई सारे डीलर्स हैं यहाँ पे अवेलेबल, आप उनसे कांटेक्ट करके पेठा का रियल टाइम प्राइस पता कर सकते हैं। और आपके आसपास अगर आपको सीधे किसान से पेठा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट किसान से पेठा को परचेस कर सकते हैं बहुत अच्छे रेट पर। इन सब का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है, आप पर्टिकुलर साइट पर जाकर पर्टिकुलर डीलर से कॉन्टैक्ट करके पर्टिकुलर मशीन या फिर रॉ मटेरियल के विषय में पता कर सकते हैं। दोस्तों पेठा मेकिंग बिजनेस को 2 स्किल्ड लेबर और 3 या 4 अनस्किल्ड लेबर की मदद से आसानी से शुरू किया जा सकता है। अगर हम जगह की बात करें तो इसको स्टार्ट करने के लिए कम से कम 1,000 से लेकर 2,000 स्क्वायर फीट एरिया की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको अपना रॉ मटेरियल रखना और उसके अलावा अपना तैयार माल रखने के लिए भी जगह की ज़रूरत पड़ती है, तो इतनी जगह तो लगभग लग ही जाती है। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की बात की जाए तो अगर आप पेठा मेकिंग बिजनेस को मैन्युअली कर रहे हैं या फिर सेमी ऑटोमेटिक मशीन से कर रहे हैं तो 2 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से आपका आसानी से काम चल सकता है। और इसके साथ साथ आपके वर्किंग एरिया में पानी की बहुत उचित व्यवस्था होनी चाहिए। एक चीज़ और विशेष ध्यान देने वाली है कि आप जिस एरिया में इस काम को स्टार्ट कर रहे हैं उस एरिया में कोयले की भट्टी या फिर लकड़ी की भट्टी जलाना अलाउड नहीं है, तो आपको कॉमर्शियल LPG कनेक्शन भी लेना होगा। दोस्तों अगर आप एक ब्रांड लेवल पर पेठा मेकिंग के बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ लाइसेंस को लेने की भी आवश्यकता होगी, वो हैं उद्योग आधार, GST नंबर, FSSAI लाइसेंस, ट्रेड रजिस्ट्रेशन, उसके अलावा ट्रेडमार्क। दोस्तों पेठा मेकिंग बिजनेस को आप बेहद कम बजट के साथ मात्र 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपये में भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स की तरफ अपग्रेड करते हैं तो 7 से लेकर 8,00,000 रुपये में आप इस बिजनेस को सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ बहुत बड़े स्केल पर कर सकते हैं। और जैसे जैसे बचत होती जाए, आप बिजनेस की सारी बारीकियाँ जानते जाएँ, आप इस बिजनेस में सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स और उसके ऊपर फुली ऑटोमेटिक मशीन्स की तरफ भी आसानी से अपग्रेड कर सकते हैं और इस बिजनेस को एक बड़े स्केल पर ले जा सकते हैं। दोस्तों पेठा मेकिंग बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करवाने के लिए और मार्केट में अपनी अच्छी पकड़ बनाने के लिए आपको क्वालिटी पर विशेष ध्यान देना होगा। जैसे जो आप पेठा फल यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, आप जो उसमें चीनी यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की यूज़ करें, आप जो फ्लेवर्स यूज़ कर रहे हैं उन फ्लेवर्स को आप अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें। इसके अलावा आप अपनी पैकिंग क्वालिटी को भी यूनिक रखें, जिससे आपकी सेल्स लगातार बढ़ती जाएगी और आप मार्केट में पूरी तरह स्टेबल हो जाएंगे। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सेल्स की, तो तैयार पेठा को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से बहुत आसानी से सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन सेल करने के लिए आप किसी भी ई कॉमर्स साइट का सहारा ले सकते हैं, जैसे Amazon, Flipkart, Snapdeal आदि भी कई साइट्स हैं।
उसके अलावा ऑनलाइन सेल के लिए आपको क्वालिटी के साथ साथ अपने पेठा की पैकिंग पर भी विशेष ध्यान देना होगा। उसके अलावा अगर आप अपने पेठा को ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो सिर्फ एक तरह का सादा पेठा ना सेल करें, आप जितनी ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा फ्लेवर्स अपने पेठा के ऑनलाइन सेल करें। इससे आपकी सेल कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपका मुनाफा भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर ऑफलाइन सेल की बात की जाए तो आप खुद का आउटलेट स्टार्ट कर उससे अपने तैयार पेठा को बहुत आसानी से सेल कर सकते हैं, या फिर आप अपने प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी भी प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो आप अपने तैयार पेठा को थोक के पेठा व्यापारी या फिर पेठा रिटेलर्स को आसानी से सेल कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं पेठा मेकिंग बिजनेस से होने वाली बचत के बारे में। तो इसकी बचत डिपेंड करती है फ्लेवर्स पर और आप अपना तैयार माल किसे सेल कर रहे हैं, डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर रहे हैं या फिर आप रिटेलर को सेल कर रहे हैं। फिर भी पेठा मेकिंग बिजनेस को करके 30% से लेकर 80% तक की बचत बहुत आसानी से ली जा सकती है और महीने के लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह इस बिजनेस को करके आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और अपने लिए एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, आपके लाइक्स हमारी टीम के उत्साह को डबल कर देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले बिजनेस वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए क्रिएटिव बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।